हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं? मैं आपका भाई और दोस्त रविशंकर, और स्वागत है फिर से हमारे ब्लॉग चैनल रविशंकर ब्लॉग्स पे। दोस्तों मैं बता दूं कि जितने भी हमारे तरह नए यूट्यूबर हैं, सबका एक ही मनोकामना होता है भगवान से या दर्शक से कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम हो जाए, ताकि उनका चैनल मोनेटाइज हो जाए। मैं हूं या कोई भी हो, जब भी नया चैनल शुरुआत करता है, नए नए जब यूट्यूब पे आता है और काम करता है, तो यही होता है। मेरा भी लगभग 1400 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और वॉच टाइम मैंने 4100 के करीब मैंने पूरा कर लिया, यानी जितना एलिजिबल होना चाहिए चैनल को मोनेटाइज करने के लिए, उतना मेरे पास सब्सक्राइबर और वॉच टाइम दोनों हो गया। दोस्तों मैं ये बता दूं कि आपको लगेगा कि इसने आया नया नया और इस शुरुआत किया और चैनल मोनेटाइज होने के लिए इसने अपना जो भी ज़रूरी होता है ये पूरा कर लिया, इतना जल्दी कैसे? लेकिन मैं आपको बता दूं, यह मेरा दूसरा चैनल है। इससे पहले मेरा एक चैनल था रविशंकर रिव्यू, जिसपे हम फिल्मों का रिव्यू करते थे, वेब सीरीज आता था उसका रिव्यू करते थे और फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते थे। 8 महीना या 10 महीना हो चुका, लेकिन चैनल कभी ग्रो नहीं किया, कभी मेरा ज़्यादा व्यूज नहीं आया और मैं हार मान चुका था। और मेरे तरफ बहुत सारे यूट्यूबर होंगे जो कि उन्हें लगता होगा, यार व्यूज नहीं आ रहा है, यार सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, क्या करूं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं भी हार मान चुका था, लेकिन मैं सोचा कि रखते हैं एक और कुछ नया करते हैं। और ब्लॉगिंग लगभग आजकल सब कोई कर रहा है, क्योंकि ब्लॉगिंग में जानते हैं क्या है, ब्लॉगिंग में ये है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। डैट मीन्स कि आप किसी का इंटरव्यू ले सकते हैं, ट्रेवलिंग ब्लॉग, फूडिंग ब्लॉग, कहीं घूमने फिरने सब कुछ कर सकते हैं, चाहे तो टेक का भी बता सकते हैं, मतलब ऑल इन वन होता है ब्लॉग चैनल। अब मैंने भी स्टार्ट किया, शुरुआत के दिनों में चैनल का कुछ और नाम था, लेकिन जब आप इस चैनल पर जाके मेरे पुराने वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। लेकिन बाद में हुआ ये कि मैं सोचा कि इसे ब्लॉग चैनल में तब्दील कर देता हूँ, और मैंने इसका नाम चेंज करके रविशंकर ब्लॉग्स रख दिया और मैं ब्लॉगिंग करने लगा। डेली ब्लॉग तो नहीं करता हूँ, क्योंकि अब मेरा कॉलेज होता है और उतना टाइम नहीं मिल पाता, और रोज़ एक ही चीज़ ब्लॉगिंग करना मुझे सही नहीं लगता है, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर और डेली ब्लॉगर करते हैं। मुझे लगता है कि या तो कभी स्पेशल करो, या नहीं तो किसी का इंटरव्यू करो। इसी दौरान मैंने मनी मिराज का इंटरव्यू लिया, कि जो भोजपुरी में कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पर बहुत बड़े पॉपुलर हैं, लगभग 4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उनके पास। मैंने उनका इंटरव्यू किया और वहीं मेरा वीडियो वायरल हो गया, और उसी से मेरे पास सब्सक्राइबर भी आ गए, और उसी से मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया, और इस तरह अब मेरा 1000 सब्सक्राइबर यानी 1400 सब्सक्राइबर और 4100 वॉच टाइम यानी 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा हुआ, और इसके लिए मैं एलिजिबल हो गया। अब दोस्तों मैं बताऊं कि कैसे हुआ। मैंने आपको बता ही दिया कि अब मेरा वीडियो वायरल हुआ, तो दोस्तों आपको भी हार नहीं माननी है कि यार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं कहूंगा कि अगर आप एक चैनल चला रहे हैं तो खास करके एक दूसरा चैनल बना ले, ताकि दोनों में कोई भी एक आपका चल जाएगा। क्योंकि देखिए, मैं लगभग ये बात ना, मैं किसी यूट्यूबर का नित्य भैया या किसी का वीडियो देखा था, नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने बोला कि साथ साथ एक और चैनल रखिए, ब्लॉगिंग चैनल, और यही मैंने किया और हो गया है। मैंने इस तरह अप्लाई भी कर दिया है, और मैंने चैनल के मोनेटाइज के लिए अप्लाई किया है। देखिए 7 दिन के बाद या कितने दिन बाद उसका रिजल्ट आएगा, मुझे आइडिया नहीं। दोस्तों देखिए, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमसे मिलना चाहते हैं, तो बेफिक्र होकर कमेंट कीजिए, हम बताएंगे आपको क्या करना है। बेसिकली हम ब्लॉगिंग में डेली ब्लॉगिंग तो नहीं करते हैं, पर्सनल लाइफ ब्लॉगिंग भी होता है, कॉलेज लाइफ ब्लॉगिंग भी होता है, ट्रेवलिंग भी होता है, और साथ ही साथ किसी जो भी हमारे यूट्यूबर हैं उनका इंटरव्यू भी करते हैं। दोस्तों ऐसे ही हमसे जानना है, जुड़ना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए अतिथि के साथ। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, सी यू।